जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्य क्षेत्र एकीकरण का जनपद स्तरीय प्रशिक्षण दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके संबंध में जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा ने बताया कि ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें 6 विकास खंड के बाल विकास परियोजना अधिकारी शामिल होकर प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत व राजस्व ग्राम लेवल पर सर्वे के कार्य गर्भवती महिलाओं का डाटा सुरक्षित कलेक्ट किया जाए, जिससे आने वाले दिनों में सभी कार्य आसानी से हो सके। ब्लॉक के सीडीपीओ है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के डीसीएम है, डीसीपीओ है, एचईओ है, वो सभी इस प्रोसेस को समझ लें, क्योंकि आंगनबाड़ी और आशा को जो मेनली लीड करते हैं वो आप लोग ही हैं बॉस। तो आपको यहाँ से प्रशिक्षण लेके ब्लॉक लेवल पे 2 दिन का प्रशिक्षण आशा समिति मुख्य सेविका और एनएम का करवाना कार्यवाही करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव बस आपको इतना समझना है कि एक आशा पे हमें एक आंगनबाड़ी में एक आशा को लेके आना है। आंगनबाड़ी को आधार मानते हुए ही पूरी प्रक्रिया की जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव है। आज की पूरी ट्रेनिंग में हम लोग इस प्रोसेस को समझेंगे, एप्लीकेशन का यूज क्या है और हमारे जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनकी भूमिका क्या हो, जो पंचायत के लोग हैं, जो आरसीडीएस विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, उन सभी की क्या भूमिका होगी और कैसे हमें लेके जाना है उसको लेके हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने प्राथमिकता पे लिया है और आपको पता भी है कि गोरखपुर वैसे भी एक सीएम का क्षेत्र है और प्राथमिकता यहाँ की हर चीज़ प्राथमिक ही होती है। तो हम लोग गोरखपुर से स्टार्ट कर रहे हैं और गोरखपुर की जो लर्निंग्स होंगी वो पूरे प्रदेश में रिप्लिकेट की जाएंगी और कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसने इस तरह की कोई गतिविधि करी है। तो हमारा जो प्रदेश है और हमारा गोरखपुर जो है वो पहला जनपद और पहला प्रदेश है जहाँ से हम इस गतिविधि का संचालन कर रहे हैं। आशा के काम क्षेत्र एकीकरण के संदर्भ में चल रही है, इसमें उपस्थित सभी विकासखंड स्तर से जो 6 विकासखंड आ गए हैं वहाँ के बाल विकास परियोजना अधिकारी, साथ ही उनके साथ जो है इस टीम से जुड़े हुए M.O.R.C. उपस्थित थे। प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराने के लिए स्टेट स्तर से किसी की टीम जो आई हुई है, उसके साथ साथ अन्य कर्मचारीगण आप सभी का इस दूसरे सत्र में जो है दूसरा दिन है सत्र का, उसमें सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी भीग गए हैं, मैं अपना भी परिचय बता देता हूं, लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि मैं राजमणि वर्मा जिला विकास अधिकारी गोरखपुर। आज इस सत्र में कल जो सत्र चला था वो बहुत ही उपयोगी मेरे हिसाब से रहा है, कल भी मैंने प्रतिभाग किया था और आज 6 विकासखंड जो के प्रतिभागीगण आए हुए हैं उसमें चंदावा है, पिपराइच है, सरदार नगर है, गोला है, गधा है और पाली, ये 6 विकासखंड के। इसमें ये आवश्यकता क्यों महसूस की गई, ये सभी लोग मंथन करने की जरूरत है कि जो विलेज लेवल पर हमारी टीम काम करती है उसमें मुख्य रूप से बाल विकास और साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आधारभूत व्यवस्थाओं को निकट भविष्य में उपयोगी बनाने के लिए एकीकरण के रूप में लिया जाना है, यानी दोनों विभागों के या अन्य सहयोगी अन्य विभाग हैं जो कन्वर्जन डिपार्टमेंट बोले जाते हैं उनके सहयोग से एक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को कैसे हम जो है एक रूप में लेकर चलें। प्रायः देखने में आता है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय से या उस विभाग से जुड़े हुए जो भी हमारी कार्यकर्ती और सहायिका हैं या सुपरवाइजर हैं, यहाँ तक कि वहाँ से जो सर्वे की बात आती है और उसी ग्राम पंचायत लेवल पर जो राजस्व ग्राम की है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा ने कहा, ये प्रशिक्षण सत्र जो आंगनबाड़ी एवं आशा कार्य क्षेत्र एकीकरण संदर्भित ये प्रशिक्षण चल रहा है, ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है और 3 दिवस में एक
पहला दिन जो है कल समाप्त हो चुका है, जिसमें 6 विकास खंड के जो है प्रतिभागियों ने इसमें सम्मिलित होकर के प्रशिक्षण लिया है। दूसरा आज दिन है जिसमें 6 विकास खंडों के MOIC वहाँ के जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी या और है उनसे जुड़ी हुई टीमें यहाँ पे प्रशिक्षण सत्र में भाग ले रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो है ग्राम पंचायत और राजस्व ग्राम लेवल पर जो सर्वे आदि का कार्य है, जिसमें कि बच्चों से लेकर के गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, किशोरियों आदि का है, उनका जो है डाटा मिसमैचिंग ना हो, एकीकरण के संदर्भ में मुख्य उद्देश्य इसी के प्रशिक्षण सर ये पूरे दिन का है। और कल जो है शेष जो विकास खंड है उनका भी प्रशिक्षण ये आयोजित करा करके मुख्य उद्देश्य बाल विकास से संबंधित और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बिंदुओं को एकीकरण के रूप में जो है सर्वे आदि का काम करा करके पूरा किया जाना है।